शशि जो मेरा कैरेक्टर है वो एक भूत है। हाँ जी, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं मेरे और मैं बिलीव भी करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है भूत। मुझे सही लगते हैं भूत, मुझे लगता है ठीक है वो। मम्मी बोलती थी और कुछ दिनों पे बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने रात को जब अंधेरा हो जाता है। आई बहुत स्वीट हूँ। दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के। शशि जो मेरा कैरेक्टर है वो एक भूत है, तो वो कहीं भी जा सकती है और उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। तो एक्चुअली ये फ़ोटो हमने डाली थी क्योंकि इट्स अ फनी टेक कि शशि थी ऑस्कर्स पे और उसको पता था बिगिनिंग से कि गलत मूवी का नाम लेने वाले हैं और वो बोल भी रही थी उन लोगों को, लेकिन क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही थी और वो भूत है उसको सुन नहीं पा रहे थे, सो शी वॉज फीलिंग वेरी बैड दैट शी कुड नॉट सेव द डे। मेरे पास फिल्म आई, मेरे एक फ्रेंड हैं पंजाबी फिल्में लिखते हैं वो धीरज रतन, उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसे पिक्चर बन रही है फिलौरी और वो आपसे मिलना चाहते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, आप एक बार सुन लें, अगर आपका मन करता है करने के लिए तो आप कर सकते हैं। तो फिर मैं पूरी टीम से मिला, क्लीन स्लेट फिल्म की पूरी टीम, और फिर मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इस तरह मेरे पास आई फिल्म। आई थिंक ये अनशय और अन्विता का ही था, बिगिनिंग से पिक्चर का नाम फिलौरी ही था और इसका नाम फिलौरी इसीलिए है क्योंकि जो भी लोग फिलौर के होते हैं, फिलौर एक जगह है पंजाब में, तो वहाँ के लोगों को फिलौरी बोला जाता है। तो क्योंकि दिलजीत और मेरे कैरेक्टर दोनों वहाँ से हैं तो पिक्चर का नाम फिलौरी है क्योंकि फिलौर के लोगों की कहानी है। और जैसे कि आपने सुना होगा इंदौर के लोगों को इंदौरी कहा जाता है, लुधियाना के लोगों को लुधियानवी बोलते हैं, दिलजीत का भी सरनेम दोसांझ है, वो दोसांझ एक जगह है जहाँ से वो है। तो ऐसे होता है, ऐसे पंजाब में भी होता है, ऐसे एमपी में भी होता है, ऐसे काफ़ी स्टेट्स में ऐसा होता है। क्योंकि हम लोगों को आइडिया बहुत अच्छा लगा जो अनशय ने सुनाया था, तो हमको लगा कि इसमें कुछ अलग है, कुछ नया है और ऑडियंसेस को मज़ा आएगा फिल्म देखने में, और बस इसी वजह से इंस्टिंक्ट थी कि ये हमको पिक्चर बनानी चाहिए, तो हमने बनाई। हाँ, बड़ा अच्छा मेरा लकी चार्म और कनेक्शन है, मैं पंजाब से हूँ इसलिए कनेक्शन तो ऑब्वियसली कनेक्शन नहीं मतलब मैं हूँ ही पंजाब से, मैं हूँ पंजाबी, तो लकीली जो फिल्में भी मुझे मिली वो ऐसे नहीं था कि मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की ही बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी बॉलीवुड में एंट्री अच्छी एंट्री है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, और इवन इनके जो ब्रदर हैं वो भी स्ट्रिक्ट नहीं है, फॉक्स की टीम भी बड़ी प्यारी है, बड़े प्यारे बंदे हैं सारे, स्ट्रिक्ट कोई नहीं था। हाँ जी, स्ट्रिक्ट कोई नहीं था जी। और हमारे मुझे सिर्फ हमारे जो DOP साहब थे, कैमरामैन सेना साहब, उनसे डर लगता था, वो कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फास्ट है तो वो कई बार बोल निकलते थे, अरे दुश्मनों ऐसे करो, तो मुझे लगता था शायद मुझे कह रहे हैं काफ़ी देर बाद मुझे उनका 4-5 दिन बाद समझ आया कि वो अपनी टीम को बोलते रहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फास्ट है, तो वो आपके पास से निकल जाएंगे जैसे पता चलेगा जैसे शशि निकल गई, तो उनसे थोड़ा डर लगता था मुझे, पर वो बहुत स्वीट बंदे भी हैं। मेरे भाइयों मेरे बीच में बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होती थी और हम वो यूजली वो मुझे बहुत बुली करता था क्योंकि वो मुझसे बड़ा था, तो अगर मैं TV देख रही होती थी तो और वो कमरे में घुसता था तो उधर रिमोट दे, और लाइक मैं नहीं देना चाहती थी लेकिन वो मतलब मैं दे देती थी तो लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ होता मतलब ऐसा होता है जब हम लड़ते हैं और कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे हमको पता है कि मम्मी पापा डांटेंगे या मारेंगे, तो हम लोग साथ भी हो जाते हैं। तो एक बार हमने TV तोड़ दिया था क्योंकि हमारी लड़ाई हो रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, हम लड़ाई थी, TV चल रहा था उस दिन, पापा ने ना हम लोग एक्चुअली शिफ्ट हो रहे थे, हम लोग इंदौर माउस से हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे,
और पापा ने स्पेशली टीवी मंगवाया था विंबलडन देखने के लिए, उन्होंने रेंट पे मंगवाया था क्योंकि बाकी सारे हमारा सामान चले गया था. तो हमारी लड़ाई हो गई कन्नू और मेरी, तो मेरे सामने एक ब्रश था, हेयर ब्रश, तो मैंने लिया. मैंने कहा देखो मैं मार दूंगी, ऐसे करके मैंने फेंका और उसने डक कर दिया. उसने डक किया और वो सीधे गया टीवी के अंदर. उसके बाद जो हमारी दोस्ती हुई है, अरे क्या अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे. तो हम साथ हो जाते थे जब हमको पता था हमको पिटने वाली है, बट हमको साथ भी उस दिन तो पिटी थी वैसे भी. मुझे तो लगता है बेटर हो जाता है अगर आप रियल लोकेशन में शूट करते. फिलौरी भी हमने सारी रियल लोकेशन में शूट करी है, मतलब फिलौरी में नहीं करी है बट फील आता है सेट पे, बेसिकली सेट पे नहीं करी है. तो एक अलग विजुअल्स दिखते हैं आपको. आई थिंक पिक्चराइज बेटर हो पाती है पिक्चर. तो आई प्रिफर शूटिंग इन रियल लोकेशंस. ऑल्सो मुझे लगता है कि एक्टिंग भी बेटर होती है जब आप एक्चुअल लोकेशन में कभी शूट करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है. यह ऑब्वियसली जब ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हो तो टफ है, जब आप रियल लोकेशन पे होते हो कॉस्ट्यूम में होते हो तो ऑब्वियसली वो जगह वो कॉस्ट्यूम आपको हेल्प करता है जो बात आप कहने जा रहे हो. सो इट्स मोर टफ हो जाता है जब आप सेट या ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हो, टफ है थोड़ा.